जात पात का भेद मिटाने और भाईचारे को बढ़ाने के लिए जीन की सर्वजातीय खेड़ा खाप ने अहम फैसला लिया और वो ये है कि इस खाप के अंतर्गत आने वाले 24 गांव के लोग अब अपने नाम के पीछे गोत्र न लिखकर गांव का नाम लिखा करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। जातीय भेदभाव को मिटाने के लिए जींद जिले के गांव फैसला में सर्व जातीय खेड़ा खाप की अहम बैठक हुई। इस बैठक में आसपास के करीब 24 गांव के खाप नेता मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के पीछे जाति या गोत्र नहीं लगाएगा। खाप के प्रधान ने जो हमारे ताऊ जी ने फैसला लिया कि जो ये गोत्र का और ये जाति पाति का भेदभाव मिटा के और सबको एक साथ मिलकर काम करना है और ये जो लड़कियों को बारे में जो गलत सोच है इसको मिटाना है और बेटी को पढ़ाना है। इन 24 गांवों में विभिन्न गोत्रों के लोग रहते हैं और हमारा सुझाव ये है कि अपना नाम के पीछे गोत्र ना लगा के अपने नाम के पीछे गाँव का नाम लगाए ताकि जो जहर फैला हुआ है ये जहर समाप्त हो सके। किसी वाहन या घर के बाहर भी गोत्र का उल्लेख नहीं किया जाएगा। बैठक में ये भी तय हुआ कि गांव में बैठक कर लोगों को इस मुहिम से जोड़ा जाएगा। इसके बाद इस अभियान को पूरे प्रदेश में बढ़ाया जाएगा। हमें फैसला ये लिया है कि कोशिश करेगी वे पूरी अपना गोत्र ना लगाए, अपनी जात ना लगाए, सिर्फ हमारा हिंदुस्तानी एक ही आदमी है और कोशिश कर रहे हैं हम गांव-गांव में कमेटी बना के इसका संदेश भेज रहे हैं और पक्का समाचार हम फिर आपको दे देंगे। खेड़ा खाप की ये पहल आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा संदेश है। ये उन नेताओं के मुंह पर भी तमाचा है जो भाईचारे को बिगाड़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। खबर अभी तक के लिए जींद से अमरजीत की रिपोर्ट।